फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। मित्रों, मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जीएसटी को कैसे फाइल किया जाता है। हाउ वी आर गोइंग टू फाइल द जीएसटी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज़ बीइंग आस्क्ड बाय बोथ स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम एंड एमकॉम। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एमकॉम एंड बीकॉम, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज़ बीइंग रेगुलरली आस्क्ड बाय मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो हियर लेट्स एक्सप्लोर दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइल a GST. So the prerequisite for filing the GST is this, that you must obtain a provisional ID and password from the GST portal, that is gst.government.in. We have got a government site for filing of the GST. If a person has to file a GST, he has to log in this website and obtain a provisional ID एंड अ पासवर्ड फ्रॉम द GST पोर्टल। जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं इस वेबसाइट पर, तो आपको एक लिंक खुलता है जिसमें आपको रजिस्टर्ड करना होता है। उसमें आप अपना आईडी और पासवर्ड बनाते हैं और उसके द्वारा आप वहाँ पर जाते हैं। नाउ इन द सेकेंड स्टेप यू हैव टू रजिस्टर योर बिजनेस ऑन द GST पोर्टल। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक दिया हुआ है कॉलम, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आपसे पूछता है कि आप किस तरह का व्यापार कर रहे हैं, किस तरह के आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको आपको सब इंफॉर्मेशन भर देना है। आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जब आप वहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वो आपको एक ऑफिशियली आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देता है, जिसके द्वारा आप समय समय पर अपने कर को भुगतान करते रहेंगे। सो आफ्टर यू आर बींग रजिस्टर्ड इन द साइट, यू आर बींग प्रोवाइडेड विद एन user ID and a password. By the help of that user ID and password, you can fill your timely GST to the portal. The GST is being filed every month as per the rules of the GST council. Third step, ensure you have a valid PAN, Aadhaar and bank account. This is very important and necessary per request. Why? Because this ensures that without Aadhaar, without PAN and without bank account, you cannot register in the GST portal. So for registering yourself in the portal, you must have a valid PAN of yourself, Aadhaar and a registered account of yourself. किसी भी रजिस्ट्रेशन को आपको करने के लिए आपके पास आपका पैन नंबर होना चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए और आपका एक बैंक का खाता होना चाहिए, जिसके द्वारा आप कर का भुगतान करेंगे एवं उसमें कोई भी ऐसा रिफंड होगा उसमें प्राप्त करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तभी आप अपने आप को GST पोर्टल पर जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। तो छोटे में बताता हूँ आपको कि सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाइए gst.gov.in पर, और उस पर जा कर के आप अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। बताइए कि आपका कौन सा बिजनेस है या कौन सी सेवाएं आप देना चाह रहे हैं, कौन से वस्तु का आप व्यापार करना चाह रहे हैं। और इसको भरने के बाद आपके पास जो आपका पैन होगा, आपका आधार होगा और आपका अकाउंट नंबर होगा, इसको आप भर देंगे तो आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और सरकार समझ लेगी कि आपके इस नंबर से आप अपना GST फाइलिंग हर महीने करते रहेंगे। Now, if we talk about the registration of the thing, अब आपने registered कर लिया है तो step by step process को समझते हैं कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। Because there are different types of businesses and there are different types of services which are provided. So, हर एक चीज के लिए जो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिस भी वस्तु में आप व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग GST बनाए गए हैं। जैसे इनकम टैक्स में होता है ITR 1 होता है, ITR 2 होता है, ITR 3 होता है, इसी तरह से विभिन्न ITR होते हैं। उसी तरह से GST में भी विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि आप किस चीज का GST फाइल करना है, तो उस प्रावधान के अंतर्गत आपको अपने GST को उस तरह से फाइल करना पड़ेगा। सो लेट्स एक्सप्लोर द थिंग्स दैट फर्स्ट इज लॉग इन टू GST पोर्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द साइट एंड यू हैव टू लॉग इन बाय योर वैलिड ID एंड वैलिड पासवर्ड। आपको अपने ID और पासवर्ड के द्वारा जाकर के वेबसाइट पर लॉग इन करना है। फिर अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि इफ यू आर डीलिंग विद द सेल्स रिटर्न फाइल GST TR 1 यू हैव टू फाइल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स रिटर्न। डिक्लेयर योर आउटवर्ड सप्लाई सेल्स फॉर द टैक्स पीरियड, अपलोड इनवॉइसेस इन JSON फॉर्मेट और यूज द ऑफलाइन टूल। मींस व्हेनेवर अ पर्सन हैज टू फाइल
the GST for the sales return, he has to go with GSTR1. अगर आप जी सेल्स रिटर्न में काम कर रहे हैं तो आपको GSTR1 करना है, और इसका सिंपल है कि आपको उस पीरियड में कितना ही सेल हुआ है, और उसके लिए आपके पास एक फॉर्मेट दिया होता है JSON फाइल में, उसको लेकर के ऑफलाइन मोड पे आप पूरा भर लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए, आपका GST फाइल हो जाएगा। GSTR2 फॉर परचेज रिटर्न, फॉर सेल रिटर्न यू हैव गॉट GSTR1, फॉर परचेज रिटर्न यू हैव गॉट GSTR2। For this, you have to declare your invoice supplies purchases for the tax period, accept or reject invoices uploaded by suppliers. Means here, when we are talking about the purchase return, means what we have bought. हमने क्या चीजें खरीदी हैं, अगर उस चीज को हमें जीएसटी में भरना है तो पहले हमको ये देखना है कि हम जितनी भी चीज हमारे पास आ रही है invoice supplies, उसका डेटा बना लेते हैं, और उसके बाद जो वाउचर्स और invoices लगे हैं उसको हमको देखना है कि जो उसने लगाए हैं वो सही है गलत है, जो सही है उसको टिक करते जाएंगे और जो नहीं सही है उसको हम एग्जम्प्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक बनेगा और उसके द्वारा हम टैक्स को पे कर देंगे, और अगर हमारा इनपुट टैक्स रेट ज़्यादा है तो हमें रिफंड हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज, नाउ वी टॉक अबाउट द फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, दैट इज नोन एज समरी रिटर्न। प्रोवाइड अ समरी ऑफ योर सेल्स परचेज एंड टैक्स लाइबिलिटी, पे टैक्स एंड इंटरेस्ट। सो हियर यू हैव गॉट अ समरी, 3B में समरी आती है, और ऑल द सेल्स परचेजेस और टैक्स लाइबिलिटी आती है, उसको हम यहाँ पर रखते हैं और इसके द्वारा हम अपने टैक्स को भर देते हैं। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट GSTR 4, सो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक फिल द GSTR 4, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन स्कीम, समय समय पर सरकार द्वारा डिफरेंट स्कीम चलाई जाती हैं, उसका निर्धारण उसका उपयोग करने के लिए हम GSTR 4 का उपयोग कर सकते हैं। फॉर बिजनेसेस ऑप्टिंग फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, डिक्लेयर क्वार्टरली सेल्स एंड टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर हम जब भरते हैं तो हर तिमाही पे हम इसको भरना होता है, हर तिमाही पर, और हम ये कहते हैं कि वी हैव टेकिंग द हेल्प और वी हैव यूज दैट कॉम्पोजिशन स्कीम, वी कम्स इन टू दैट कॉम्पोजिशन स्कीम, देयरफॉर वी टॉक अबाउट द फाइलिंग ऑफ GSTR 4। नाउ GSTR 5, इट इज फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, ऑल द टैक्स पेयर हु आर नॉट रेजिडेंट कम्स इन टू दिस पेरिफेरी। For all the non-resident taxpayer, declare sales purchase and tax liability. So, when he is a resident, he have to pay GSTR 3B. But when he is non-resident, he has to pay GSTR 5. So, make it clear. When a person is a resident Indian, he has to pay GSTR 3B. When he is not, जब वो यहाँ का नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है तो उसको GSTR 5 बनना है, और अगर वो रेजिडेंट है तो उसको GSTR 3B बनना है। Now file GSTR 6। When a person is going to file a GSTR 6, means it is for input service distribution. Here for input service distribution, declare the input rate distribution. All the inputs which has been there, you have to declare it, and according to that, you have to make your tax, calculate your tax liability, and you have to fill. जितनी भी आपके पास input tax है, उसको आप ले लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, और जितनी भी आपकी tax की liability बनती है, उसको जोड़ करके आप उसका tax pay कर देते हैं. Then you have got GSTR 7, that is for the tax rejector. When we are going to tax, cut the tax from a source, we are saying that he is going to file GSTR 7. For here, for all the tax rejector and tax rejected at source should be taken into consideration. यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है कि यहाँ यहाँ आपने पैसा दिया है, ये टैक्स है, आपको क्लेवर उसको टिक कर देना है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे कर देना है। देन फाइलिंग ऑफ GSTR 8, इट इज मेंट फॉर ऑल द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, मीन्स जितने भी लोग ई बिजनेस में काम कर रहे हैं, Amazon, Flipkart से आप सामान खरीदते हैं, मंत्रा डिफरेंट साइट्स से आप सामान खरीदते हैं, और उसके द्वारा आप आदान प्रदान करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उन सभी कंपनीज को GSTR 8 बनना है, अगर कोई भी आप ई कॉमर्स मीडियम में काम कर रहे हैं। हियर फॉर ऑल द ई कॉमर्स ऑपरेटर, डिक्लेयर सप्लाईज मेड थ्रू द प्लेटफॉर्म, मीन्स ऑल द सप्लाईज विच इज मेड इन दैट प्लेटफॉर्म, ही हैज टू डिक्लेयर एंड ही हैज टू पे टैक्स फॉर दैट। देन फाइल GSTR 9, एट वॉट time he is going to fill the GSTR 9, means it is an annual return. यहाँ पर साल भर का जो चीज़ें हैं उसको calculate कर लेनी है और annual return के रूप में उसको file कर देना है GSTR 9 में।
और उसके बाद एक और प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज फाइनल रिटर्न, जिसको GSTR 10 कहते हैं. मीन्स यू हैव गॉट एन एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ GSTR 9 एंड यू हैव गॉट अ फाइनल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ GSTR 10. सो व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जाम्पल 23-24 और 24-25, इट कम्स इनटू द एनुअल रिटर्न. और उसके बाद जब हम उसको फाइनल कर देते हैं कि यस दिस इज द कंक्लूडिंग थिंग्स, वी फाइल द GSTR 10 फॉर फाइनल रिटर्न व्हेन सरेंडरिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन. हियर यू सरेंडर दैट दिस इज द ऑल ईयर बिजनेस विच वी हैव डन एंड दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द लॉस. नाउ देर आर सर्टेन एडिशनल टिप्स विच अ पर्सन शुड कंसिडर वाइल फाइलिंग द जीएसटी. कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको कि एक इंसान को अपने उसमें ध्यान रखना चाहिए जब भी वो जीएसटी को फाइल कर रहा है. तो पहला है इंश्योर एक्यूरेट एंड टाइमली फाइलिंग टू अवॉइड पेनल्टीज. मीन्स अ पर्सन शुड फाइल एन एक्यूरेट एंड टाइमली जीएसटी फिलिंग. मीन्स उसको समय के और साथ में जो भी डेटा हो उसको एकदम सही डेटा भरना चाहिए, जिससे कि कोई भी पेनल्टी उसके ऊपर सरकार द्वारा निर्धारित ना की जाए. इससे उसका कर निर्धारण अच्छे से हो जाता है और कोई भी पेनल्टी नहीं लगती. कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इनवॉइसेस, रिसिप्ट्स एंड टैक्स पेमेंट. जितने भी आपके पास टैक्स को आप पे कर रहे हैं उसके इनवॉइसेस, उसकी रसीदें एवं उसके जितने भी साक्ष्य हैं उसको अच्छे से अपने पास रखिए, क्योंकि इसी के द्वारा आप आगे चल करके टैक्स को देखते हैं. मीन्स यू हैव टू सी दैट ऑल द इनवॉइसेस, रिसिप्ट एंड टैक्स पेमेंट, द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस शुड बी प्रॉपरली कैप्ट, बिकॉज दिस हेल्प्स यू इन मैचिंग द टैक्सिंग ऑफ द जीएसटी. यूजर्स यूज द जीएसटी ऑफलाइन टूल और कंसल्ट अ टैक्स प्रोफेशनल इफ नीडेड. कभी कभी जीएसटी का बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई इन्वॉइसेस ऐसे होते हैं, रिसिप्ट ऐसी होती है जो हमको समझ में नहीं आती है, तो इस समय हमें एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है जिसको जीएसटी के बारे में नॉलेज है और वो आपको हेल्प कर सकता है कि आप कैसे अपनी जीएसटी को फाइल करें. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास सारी रिसिप्ट, आपके पास सारे जो भी इन्वॉइसेस हैं और जितने भी रिकॉर्ड हैं वो प्रॉपरली कैप्ट रखे हैं. तो अगर आपने ये तीनों चीज़ों को अपनाए रखा है कि समय पे आप अपना टैक्स का भुगतान करते हैं, आप अपने टैक्स भुगतान में जो भी डेटा आता है, जो भी पैसा आता है उसको सही से दिखाते हैं, अपनी रिसिप्ट अपनी डेटा को सही से रखते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद लेते हैं, तो आपका जीएसटी पेमेंट जो है वो सही होता है. मीन्स इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉपर एंड एक्यूरेट टाइमली जीएसटी पेमेंट, फाइलिंग ऑफ जीएसटी, देन यू हैव आर कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स टाइमली एंड यू आर taking the help of professional, it will help a person to get an accuracy in filing of the GST. Now, GST filing due dates. As I have told you, there are different types of GST, 10 GST I have told you. So, every GST has a specific date, has a specific cutoff. जैसे मैंने आपको बताया, कई तरह के GST होते हैं, 10 तरह की GST मैंने अभी आपको बताए हैं, और उस सब की एक एक डेट होती है, निर्धारित तिथि होती है जिसके पहले आपको उस महीने में या उस तिमाही में उस टैक्स को जमा कर देना है. तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर GSTR 1, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, हर महीने की 10वीं तारीख जो होती है वो उसमें होता है. GSTR 2, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. GSTR 3 भी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. GSTR 4, 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. GSTR 5, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. GSTR 6, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. GSTR 7, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. GSTR 8, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. GSTR 9, 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. GSTR 10, विद इन 3 months ऑफ द सरेंडिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन. मीन्स इफ यू सी ये ऑल 10 GSTRs, द फाइलिंग डेट इज बिंग गिवन ओवर हियर. आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी 10ों GSTR की फाइलिंग डेट दी गई है. अगर आप GSTR 1 को फाइल करना है तो आपको 10 तारीख जो होती है अगले महीने की, उसमें पहले पहले आपको उसको भर देना है. GSTR 2 के लिए 15 तारीख होती है अगले महीने की, उसके पहले पहले आपको उसको भर देना है. GSTR 3 भी को 20 तारीख के पहले भर देना है. GSTR 4 को 18 तारीख के पहले भर देना है. GSTR 5 को 20 तारीख के पहले भर देना है. GSTR 6 को 13 तारीख के पहले भर देना है. और GSTR 7 को 10 तारीख और GSTR 8 को भी 10 तारीख अगले महीने के पहले भर देना है. और GSTR 9 को जो 31 दिसंबर होती है उस साल के,
जो अगला साल होता है उसके पहले पहले उसको भर देना है, और GST R 10 जो होता है जब आप इसको रजिस्टर्ड कर देते हैं सरेंडरिंग वैल्यू को, उसके 3 महीने के अंदर आपको फाइनल GST को सबमिट कर देना है। तो ये दीज आर द डेट्स विच विल बी केप्ट इनटू अकाउंट वाइल फाइलिंग अवर GST। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज फाइलिंग द GST, ही मस्ट नो दैट इन विच क्राइटेरिया ही कम्स एंड एट वॉट डेट, बिफोर वॉट डेट ही हैज टू सबमिट। कोई भी इंसान जो कि सर्विस और वस्तु प्रदान कर रहा है उसको ये मालूम होना चाहिए वो किस दायरे में आ रहा है और किस तिथि के पहले उसको अपना GST को कर को सरकार को भुगतान कर देना चाहिए। नाउ आई होप दैट दीज आर द थिंग्स विच इज बीइंग केप्ट इनटू माइंड व्हाइल फाइलिंग द GST। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट स्लैब्स इन द फर्स्ट लेक्चर। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन विच टैक्स इज बीइंग केप्ट। इन दिस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट सिस्टम, कैसे आप लॉग इन करेंगे, कैसे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद आपको ये भी पता हो जाएगा कि मैंने आपको बताया कि किस चीज़ के लिए आपको कौन सा GST फाइल करना है, और उसके बाद आपको ये मान चल गया कि किस किस दिनांक के पहले, किस किस तिथि के पहले आपको GST फाइल कर देना है। मीन्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द GSTR, हाउ यू आर गोइंग टू लॉग इन, हाउ यू आर गोइंग टू रजिस्टर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दैट एट वॉट डेट, बिफोर वॉट डेट यू आर गोइंग टू फाइल यू रजिस्टर्ड इन द GST। Because GST is something which is very easy to file, but a person should know the process of filing the GST. I hope you have understood. Thank you.